आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है एड एस्ट्रा, जो कि एक साईफाई फिल्म है एंड आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। लेट 21st सेंचुरी में सोलर सिस्टम में पावर सर्च आ रहे थे जिससे इंसान खत्म हो सकते थे। इस टाइम पर इंसान मून और मार्स पर भी रहते थे। एक 52 इयर्स के एस्ट्रोनॉट मेजर रॉय मैकब्रिट स्पेस स्टेशन के बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि स्पेस स्टेशन कोलैप्स हो रहा था। मैकेनिकल आर्म स्पेस स्टेशन से अलग हो गई थी। खुद को बचाने के लिए रॉय खुद को अर्थ की तरफ गिरा देते हैं। वो बहुत तेजी से अब अर्थ की ग्रेविटी से खींचे जाते हैं। उनके पास एक पैराशूट होता है जो बहुत सेफली जमीन पर ले आता है। इस सब के दौरान रॉय बहुत ही काम थे। बाकी एस्ट्रोनॉट्स ऐसी हाइट से गिरने के बाद बेहोश होते थे पर रॉय को कुछ नहीं हुआ। रॉय इसके बाद घर जाते हैं और वहाँ न्यूज पे दिखाते हैं कि अर्थ पे इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आ रहे थे। इसके बाद रॉय स्पेस कॉम के पास इंटरव्यू देने जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि रॉय की पल्स कभी स्पेस वॉक के दौरान 80 से ऊपर नहीं गई। रॉय बताता है कि ये सच है। फिर वो उससे उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। रॉय बताता है कि उसने शादी नहीं की, कि वो दूसरों को उसकी डेंजरस लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसके बाद स्पेस कॉम उससे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिक स्टॉर्म के बारे में। नेपच्यून से कॉस्मिक रेज आते हैं जो बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी बताते हैं कि नेपच्यून से एंटी मैटर आता है जिससे सारे इंसान मर सकते हैं। वो रॉय को बताते हैं कि उनके पिता क्लिफोर्ड नेपच्यून के पास अभी भी जिंदा हो सकते हैं। क्लिफोर्ड लाइम प्रोजेक्ट के मिशन पर निकले थे जब रॉय 16 साल का था। लाइम प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन 20 साल पहले टूट गया था और तब से उनका कोई अता पता नहीं था। जब रॉय सुनते हैं कि उनके पिता जिंदा हो सकते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। स्पेस कॉम के ऑफिसर्स रॉय को बताते हैं कि उन्हें मार्स से लाइन प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, उनके पिता जवाब दे। इस काम को करने के लिए रॉय को खुद मिशन पर जाना होगा क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट था। बाद में रॉय अपने पिता का वीडियो देख रहा होता है, तभी वहाँ उसके पिता के पुराने दोस्त कर्नल प्यूरिट आते हैं जो रॉय के साथ मिशन पर जा रहे थे। प्यूरिट 31 साल के लिए एस्ट्रोनॉट थे और उन्हें भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि क्लिफोर्ड जिंदा है। अब रॉय मिशन पर जाने के लिए तैयार थे पर उन्हें एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक लड़की ईव होती है। रॉय उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि ईव चली जाए। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो अपने डिसीजन बदल देते हैं और मैसेज नहीं भेजते। रॉय और उसकी टीम को पहले मून पर जाना होता है। उनका स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है और बहुत सेफली मून पर लैंड हो जाता है। इसके बाद उनकी दूसरी फ्लाइट होती है मून से मार्स तक। यूएस मिलिट्री का एक आदमी उन एस्ट्रोनॉट्स को दूसरी फ्लाइट तक एस्कॉर्ट करने वाले थे पर प्रॉब्लम ये थी कि उस एरिया में मून का वॉर जोन था जहाँ पायरेटेड स्कैवेंजर्स हमला करते थे। रॉय और उसकी टीम लूना रोवर्स में बेस की तरफ निकल जाते हैं। स्कैवेंजर्स उन पर शूट करना शुरू करते हैं और उनके साथ सभी एस्कॉट्स मर जाते हैं। रॉय और प्रूएट बेस तक सेफली पहुँचते हैं पर प्रूएट रॉय को बताता है कि वो मार्स की फ्लाइट पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे कार्डियक प्रॉब्लम हो रही थी। प्रूएट रॉय को एक डिस्क देता है और बोलता है कि इस मिशन की असलियत इस डिस्क में है। रॉय इसके बाद मार्स की फ्लाइट सेफियस पर बोर्ड करता है। रॉय उस डिस्क को चेक करता है जिसमें इस मिशन का असली मकसद रिवील किया गया था। वो ये था कि अगर वो लोग लीमा प्रोजेक्ट के किसी एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो लीमा प्रोजेक्ट के स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो लोग मार्स की तरफ ट्रैवल कर रहे थे जब उन्हें नॉर्वियन स्पेस स्टेशन का एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। कैप्टन टैनर बोलता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए पर रॉय इस बात से सहमत नहीं थे और बोलते हैं कि बाकी स्पेसशिप उनकी मदद कर लेंगे। बाद में रॉय देखता है कि कैप्टन टैनर शेक हो रहे थे। जब वो उनके पास जाता है तो वो देखता है कि बाबून उनको खा रहा होता है। वो बाबून रॉय को देखकर उन पर हमला करता है पर रॉय उसे शॉक देकर मार देते हैं। उस टाइम दूसरा बाबून उन पर हमला करता है पर रॉय टाइम पर दरवाजा बंद कर देते हैं। वो कैप्टन टैनर को बचा लेते हैं जिनका हेलमेट टूट गया होता है। रॉय उनके हेलमेट को डक टेप से सील करता है पर प्रॉब्लम ये थी कि अब कैप्टन टैनर स्पेसशिप नहीं चला सकते थे। अब उनके को पायलट को उनकी जगह लेनी पड़ेगी और रॉय को स्पेसशिप का को पायलट बनना होगा। कैप्टन टैनर की हालत उनकी इंजरीज से खराब होती है और उनकी मौत होती है। सेफिस मार्स के पास पहुंच जाती है लेकिन लैंडिंग से पहले उनका एंगल चेंज हो जाता है। अब रॉय और पायलट को किसी तरह स्पेसशिप का एंगल ठीक करना होगा वरना वो लैंड नहीं कर पाएंगे। एंगल ठीक करने के लिए रॉय को पायलट की परमिशन चाहिए थी पर पायलट इतना डरा हुआ था कि वो जवाब नहीं देता। रॉय खुद डिसीजन लेकर मैनुअली एंगल ठीक कर लेते हैं और वो लोग सक्सेसफुली लैंड कर पाते हैं। जब वो मार्स की बेस पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक पावर सर्च के दौरान लैंड किया था। रॉय को मार्स के बेस की हेड हेलेन मिलती है। मार्स के बेस पर रॉय को एक स्क्रिप्ट देते हैं। रॉय को वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी थी। ये रिकॉर्डेड मैसेज लीमा प्रोजेक्ट के स्टेशन पर भेजी जा रही थी। स्पेस कॉम के ऑफिसर्स को लगा था कि अगर वो रॉय से ये मैसेज रिकॉर्ड करवा देते हैं तो उसके पिता क्लिफोर्ड जवाब जरूर देंगे। पहले तो रॉय उनकी स्क्रिप्ट पढ़ता है
पर उसमें कोई इमोशंस नहीं होता। लीमा प्रोजेक्ट से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद रॉय स्क्रिप्ट को पढ़ना बंद कर देता है और वो इमोशनल होके अपनी कहानी बताने लगता है। उसे अपने पिता की याद आती है और वो उन पलों की बात करता है जब उसके पिता उसके साथ थे। इस मैसेज के बाद स्पेसकॉम के ऑफिसर्स रॉय को रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे अब घर जाना चाहिए। रॉय को समझ आता है कि उसके पिता क्लिफोर्ड ने जवाब दिया है। रॉय का क्लिफोर्ड के साथ पर्सनल कनेक्शन होने की वजह से स्पेसकॉम ने डिसाइड किया था कि वो रॉय को मिशन से हटा देंगे। रॉय बार बार स्पेसकॉम से पूछता है कि क्या वो मैसेज उसके पिता की है, पर स्पेसकॉम उसे कुछ नहीं बताते और वो उसे घर भेजने की बात पर अड़े रहते हैं। पहली बार रॉय का ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर चला जाता है क्योंकि वो इमोशंस फील कर रहा था। रॉय को एक कंफर्टेबल रूम में भेजा जाता है ताकि वो काम हो जाए और उसका ब्लड प्रेशर कम हो सके। उस रूम में व्हाइट वॉल्स थी और उन पर फ्लावर्स की पेंटिंग्स थी। कुछ देर में रूम में हेलन आती है और रॉय उस पर चिल्लाने लगते हैं। हेलन रॉय को बताती है कि सेफियस पर न्यूक्लियर वेपन्स है जो नेपच्यून पर भेजे जाएंगे और वो लीमा प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। इसके बाद हेलन रॉय को बेस में दूसरी जगह ले जाती है। वो उसे बताती है कि वो मार्स पर ही पैदा हुई थी और अर्थ पर सिर्फ एक बार गई है। उसके पेरेंट्स लीमा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। हेलन रॉय को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस रिकॉर्डिंग में उसके पिता क्लिफोर्ड होते हैं जो बोलते हैं कि लीमा प्रोजेक्ट के एस्ट्रोनॉट्स ने 16 साल बाद गिव अप किया था और वो घर जाना चाहते थे। उन्हें 16 साल तक स्पेस में लाइफ का नामो निशान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मिशन बॉयकॉट कर रहे थे। पर क्लिफोर्ड नहीं चाहते थे कि मिशन अबॉर्ट हो और 16 साल की मेहनत वेस्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने लीमा प्रोजेक्ट के बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स को मार दिया ताकि वो रिसर्च कंटिन्यू करें। ये सब सुनने और देखने के बाद रॉय हेलन से पूछता है कि क्या वो उसे सिफॉइस तक पहुंचा सकती है, जो कुछ ही मिनट्स में टेक ऑफ करने वाला था। हेलन को लगता है कि रॉय को अपने पिता को कन्फ्रंट करना चाहिए, इसलिए वो रॉय को लेकर सिफॉइस की टेक ऑफ लोकेशन पर जाती है। रॉय बहुत मुश्किल से रस्सी की मदद से सिफॉइस के अंदर जाता है जो टेक ऑफ कर रहा था। वहाँ क्रू रॉय को देखता है और स्पेसकॉम को इन्फॉर्म कर देता है। उन्हें स्पेसकॉम से इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि वो किसी भी तरह रॉय को न्यूट्रलाइज करें। रॉय क्रू को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई खतरा नहीं है, पर क्रू उसकी बात नहीं मानता और उसे पकड़ने के लिए आता है। वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इंजेक्शन शूट करते हैं जो गलती से ऑक्सीजन टैंक को लग जाता है। उसमें से ऑक्सीजन लीक होने लगता है और अब वहाँ की हवा जहरीली हो गई थी। रॉय सिफॉइस के कैप्टन को मास्क लगाने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो गई थी और सिफॉइस का सारा क्रू मर चुका था। रॉय जल्दी से स्पेसकॉम को इन्फॉर्म करता है कि सारा क्रू एक्सीडेंट से मर गया है, पर वो ये मिशन कंप्लीट करके आएगा। वो नेपच्यून के पास जाकर लाइम प्रोजेक्ट के स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब उसकी जर्नी 79 डेज की थी और वो बिल्कुल अकेला था। रॉय अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लगता है। वो ईव का एक पुराना वीडियो देखता है जिसमें वो बताती है कि रॉय हमेशा काम के साथ बहुत बिजी रहता है। रॉय 79 डेज के लिए अकेला था और एक पॉइंट पर आइसोलेशन में रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी थी। रॉय अब नेपच्यून के पास पहुंचने लगा था। वो न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस करने का कोड एंटर करता है। नेपच्यून के पास एक पावर सर्ज था जिसकी वजह से रॉय का शटल खराब हो गया था। रॉय के शटल में पावर फेलियर होता है। वो अपनी स्पेसशिप से निकल जाता है और लीमा स्टेशन पर स्पेस वॉक करके जाता है। वहाँ वो देखता है डेड बॉडीज फ्लोट कर रही थी। वो वही बॉडीज थी जिन्हें रॉय के पिता ने मार दिया था और वहाँ इतने सालों से म्यूजिक वीडियो प्ले हो रहा था। रॉय लीमा स्पेस स्टेशन को एक्सप्लोर करता है और अपने पिता के केबिन में जाता है। वहाँ उसे अपने पिता क्लिफोर्ड के नोट्स मिलते हैं। रॉय को एक और रूम मिलता है जहाँ एंटी मैटर था। वो एंटी मैटर इंसानों के लिए डेंजरस था। रॉय का मिशन इस एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय करना था। रॉय उस रूम के दरवाजे पर न्यूक्लियर वेपन लगा देता है। उसी टाइम रॉय के पिता उसका नाम बुलाते हैं। रॉय उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने पिता को पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्यों है। उसके पिता बोलते हैं कि वो काफी टाइम से यहाँ अकेले हैं। फिर रॉय अपने पिता को समझाता है कि लीमा स्पेस स्टेशन का पावर सोर्स माल फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से एंटी मैटर पावर सर्ज क्रिएट कर रहा था। अर्थ को बचाने के लिए इस एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय करना होगा। रॉय क्लिफोर्ड को बताता है कि अब घर जाने का समय आ गया है, पर क्लिफोर्ड कहता है कि उसका घर यही है। क्लिफोर्ड रॉय के सामने ये बात भी एडमिट करता है कि उसने कभी उसकी माँ और रॉय के लिए केयर नहीं किया। रॉय आगे जाकर अपने पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें स्पेस सूट पहनने के लिए मनाता है। क्लिफोर्ड उसे बोलता है कि उन्हें उस पर गर्व है। फाइनली वो दोनों लीमा स्टेशन से निकल जाते हैं जहाँ न्यूक्लियर वेपन लगा दिया गया था। रॉय और क्लिफोर्ड अब सेफियस की तरफ जा रहे थे और दोनों एक दूसरे से एक रस्सी से बंधे हुए थे। लीमा से निकल कर क्लिफोर्ड रॉय को बोलता है कि उसकी रस्सी छोड़ दे। रॉय ऐसा नहीं करना चाहता था, पर क्लिफोर्ड की यही इच्छा थी कि उन्हें स्पेस में छोड़ दिया जाए। फाइनली रॉय उनकी रस्सी छोड़ देता है और अपने पिता को स्पेस में फ्लोट करते हुए देखता है। इसके बाद रॉय लीमा का एक पैनल डोर लेकर अपने सूट की हवा से खुद को सिफॉइस की तरफ लॉन्च करता है। सिफॉइस की तरफ जाते हुए उसकी टक्कर एक एस्ट्रॉइड से होती है, पर वो बच जाता है और सिफॉइस में पहुंच जाता है। लीमा स्टेशन से रॉय ने अपने पिता का डेटा लिया था जिससे वो डाउनलोड करता है। सिफॉइस में अर्थ तक पहुंचने का फ्यूल नहीं था, पर रॉय को उम्मीद थी कि जब वो न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट करेगा तो एक शॉक वेव आएगी जिससे वो अर्थ की तरफ पुश होंगे। रॉय स्पेसकॉम को मैसेज भेजता है कि वो लीमा से निकल रहा है, पर अगर रास्ते में उनकी मौत हो जाए तो किसी भी तरह वो लोग ये डेटा कलेक्ट करें क्योंकि उसमें बहुत
इन्फॉर्मेशन थी। फाइनली रॉय न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक भयानक शॉक वेव आती है और सिफॉइस बहुत तेजी से अर्थ की तरफ जाता है। वो सक्सेसफुली अर्थ पर लैंड करता है, जहां उसे सोल्जर्स रिसीव करते हैं और सीधा रिकवरी सेंटर ले जाते हैं। क्लिफोर्ड ने जो डाटा सेव किया था उससे पता चल गया था कि गैलेक्सी में बस अर्थ पर ही इंसान है। इस सारे इंसिडेंट के बाद रॉय अपनी बीवी ईव से मिलने जाता है। वो बताता है कि अब से वो सिर्फ एक लाइफ जीना चाहता है जिसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो। वो अपने सुख दुख फैमिली के साथ शेयर करेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी में आपने एंटी मैटर के बारे में जाना। एंटी मैटर में नॉर्मल मैटर की तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फर्क बस यही है कि एंटी मैटर में इन पार्टिकल का चार्जेस नॉर्मल मैटर के ऑपोजिट होता है। आपने एक मॉरल लेसन भी सीखा। हम सबको अपनी लाइफ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। हमें कभी काम में इतना गुम नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ जीना ही भूल जाएं, जैसे क्लिफोर्ड के साथ हुआ। उसे अपनी लाइफ के एंड पर बहुत रिग्रेट था, क्योंकि वो यूनिवर्स में लाइफ ढूंढने में इतना बिजी था कि वो अपनी असली लाइफ जीना ही भूल गया था। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।